देश भर में आज से वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीन लगवाने से पहले लोगों में इसे लेकर बहुत सी आशंकाएं थी। फिलहाल जानकारों ने उन सभी आशंकाओं का समाधान किया। फिर भी लोग उन लोगों के अनुभवों का इंतजार कर रहे थे जिन्होंने पहले पहल कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। कुल मिलाकर सभी के अनुभव अच्छे और उत्साहवर्धक रहे। दिल्ली एम्स में मनीष कुमार नाम के सफाई कर्मचारी को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। टीका लगवाने के आधे घंटे बाद तक उनकी सेहत पर नजर रखी गई। टीका लगवाने के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रोसेस ये था कि मैंने खुद से जाके बोला था कि जब लगनी है तो पहले ही लगवा लेते हैं, बाद में उसके, क्योंकि लगेगी मन को संतुष्टि होगी ताकि मैं आगे भी और सेवा करते रहूं। इससे ये होगा कि मैं कोरोना से अपने देश को लड़ने में फ़ायदा होगा, मेरे को अंदर से झिझक नहीं होगी जो कोरोना की होती है हमेशा से। अभी कैसा एक्सपीरियंस है जो आपने पहला जो शॉट था वैक्सीन का वो आपने? बहुत ही बढ़िया, आपके सामने ही हूँ, कोई ना इचिंग हो रही ना खुजली, कुछ भी ऐसे नहीं है। और अपनी कंट्री के लिए ये कितना बड़ा स्टेप है, क्योंकि हम इतने टाइम से फाइट कर रहे थे कोरोना की वैक्सीन आ जाए, अब ये चीज़ें आ गई हैं, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है अपनी कंट्री के लिए? ये तो है ही, सबके सामने ही है। और जो ये व्हाट्सअप वगैरह पे फेक न्यूज़ सुन के जो घबरा रहे हैं, ऐसा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है, बल्कि एक मन में जो डर होता है वो भी निकल गया। तो सबको लगवानी बहुत जरूरी है, इससे हम कोरोना से अपने देश को बचा पाएंगे। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और कहा, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वैक्सीन सुरक्षित है, यह कारगर है, हमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगानी है, इसलिए हम शुरू में बहुत चुनिंदा नहीं हो सकते, हमें शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और नियामक संस्थाओं पर भरोसा करना होगा। देश भर में शनिवार से कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। इसके बीच दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने कोवैक्सीन लगाने पर एतराज जताया। ऐसा बताया जा रहा है कि आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखकर कोवैक्सीन के बजाय कोविशील्ड का टीका लगाने की मांग की है। पत्र के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम आरडीए के मौजूदा सदस्य हैं, हमें जानकारी मिली है कि अस्पताल में आज कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इस ड्राइव में भारत बायोटेक की तरफ से विकसित की गई कोवैक्सीन को कोविशील्ड के ऊपर तरजीह दी गई। हम आपकी जानकारी में यह लाना चाहते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोवैक्सीन के ट्रायल पूरे नहीं होने की वजह से कुछ आशंकाएं हैं, साथ ही इससे वैक्सीनेशन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दुनिया भर में जैसे जैसे कोरोना वायरस वैक्सीन को लगाने का अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, अमेरिकी कंपनी फाइजर के टीके के साइड इफेक्ट्स के मामले भी सामने आते जा रहे हैं। फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद नॉर्वे में 23 लोगों की मौत हो गई और 100 लोगों पर इसका साइड इफेक्ट देखा गया। वहीं एक अन्य यूरोपीय देश फिनलैंड ने भी ऐलान किया है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद 32 लोगों में साइड इफेक्ट देखा गया। हालांकि अभी यह पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कि नॉर्वे में हुई इन मौतों का सीधा संबंध फाइजर की वैक्सीन से है। नॉर्वे ने बताया कि फाइजर का टीका लगाने के बाद 23 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, कुल 100 लोगों में इस वैक्सीन को लगाने के बाद साइड इफेक्ट देखा गया। दिल्ली एनसीआर इन दिनों ठंड के साथ साथ कोहरे की भी मार झेल रहा है। शनिवार सुबह इतना घना कोहरा छाया कि लोग कुछ मीटर दूर भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। गाड़ियां रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। आमतौर पर कोहरे के चलते ठंड थोड़ी कम रहती है, मगर मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप फिर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग बहुत घना कोहरा तब मानता है जब विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर के बीच होती है। दिल्ली एनसीआर में आज ऐसे ही हालात हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के मौसम में अगले एक हफ्ते तक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक सफदरगंज स्टेशन पर 16 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 17 और 18 जनवरी को घना कोहरा होने का अनुमान लगाया है। इस दौरान पारा 4 डिग्री तक गिर जाएगा।